हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों आज हम आपके सम्मुख 12 राशियों का जो राशिफल है, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, ये माह जून 2020 के लिए है जो हम लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों की राशिफल की चर्चा आपके साथ करेंगे एक एक करके। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, वो मीन राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में चर्चा होगी। लेकिन मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम आपके सम्मुख राशिफल लेकर के आते हैं और उसकी चर्चा करते हैं आपके साथ, तो उस राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उससे भी आपको अवगत कराते हैं। क्योंकि हमारे लिए ये इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आपको इन ग्रहों की स्थिति से अवगत कराना, कि क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है अच्छी है बुरी है, उसी के ही तो आधार पर शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति जातकों को होती है राशि अनुसार। तो ये भी जानना हम समझते हैं कि हमारे जातकों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि ये इस ग्रहों की जो स्थिति है, किस ग्रह की कैसी स्थिति है, ये भी उनकी इसकी भी जानकारी हमारे जातकों को हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए मित्रों आपसे चर्चा करते हैं सर्वप्रथम ग्रह गोचर की स्थिति की वर्तमान में। और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे हम सूर्यदेव से। तो देखिए सूर्यदेव जो है वो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृषभ में संचार उनका हो रहा है। ये वृषभ राशि उनकी शत्रु राशि है और ये शत्रु राशि जो है इनकी वृषभ आपकी कुंडली के तृतीय भाव में है, यानी कि जिसको हम थर्ड हाउस कहते हैं। लेकिन ये सूर्यदेव जो है 14 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 14 जून को। और जब ये 14 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये अपनी इस वृषभ राशि से जो शत्रु राशि है यहां से ये निकलेंगे, इसको छोड़ देंगे और यहां से निकल करके फिर ये मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा अपनी सम राशि। और मिथुन राशि जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, जिसको हम फोर्थ हाउस भी कहते हैं, उसमें स्थित है, वहां पर ये प्रवेश करेंगे 14 जून को, क्षमा करें। तथा इस राशि में माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ इनकी युति बनेगी तथा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ भी इनकी युति बनेगी। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में संचार उनका चल रहा है, कर रहे हैं वो वर्तमान में, और ये इनकी शत्रु राशि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और ये जो इनकी शत्रु राशि कुंभ है, ये आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में स्थित है और ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 जून को। और ये अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकलेंगे 18 जून को और यहां से निकल करके ये अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। और ये जो मीन राशि है इनकी, ये आपके कुंडली के प्रथम भाव जिसको हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, यानी कि लगन भाव भी इसको बोला जाता है, उसमें स्थित है, लगन भाव में। तो ये वहां पर इनका प्रवेश होगा 18 जून को। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मिथुन में संचार कर रहे हैं तथा इनका पूरे माह इसी राशि में ही संचार होता रहेगा तथा 14 जून से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ इसी राशि में माह के अंत तक बनेगी और पूरे माह इसी राशि में ही इनकी युति राहु जो इनके सम ग्रह हैं उनके साथ भी बनेगी। लेकिन ये 18 जून को वक्री होंगे यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे एवं 22 जून को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। ये थी बुध ग्रह की स्थिति। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम एवं नीच राशि मकर में वक्री अवस्था में अपने सम ग्रह शनि के साथ संचार कर रहे हैं, यानी कि जो गुरु बृहस्पति हैं ये अपनी नीच राशि में इनका संचार चल रहा है और नीच राशि इनकी मकर है और ये जो मकर राशि है आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। और यहां पर ये जो ये संचार कर रहे हैं ये वक्री अवस्था में कर रहे हैं, यानी उल्टी चाल इनकी चल रहे हैं ये, और साथ में इनके सम ग्रह शनि भी हैं, वो भी यहां पर संचार उनका भी हो रहा है अपने ही घर में। तो ये थी। लेकिन हां इसी के साथ साथ जो गुरु बृहस्पति हैं वो माह की अंतिम तारीख यानी 30 जून को अपनी इस नीच राशि मकर से निकलेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे 30 जून को और अपनी नीच राशि को छोड़ करके ये अपनी स्वयं की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और धनु राशि जो है वो आपके कुंडली के दशम भाव जिसको हम 10th हाउस कहते हैं उसमें स्थित है। वहां पर इनका 30 जून को प्रवेश होगा गुरु बृहस्पति का नीच राशि से निकल करके।
और जब वहां पर इनका 30 जून को प्रवेश होगा धनु राशि अपने घर में, तो वहां पर इनकी युति बनेगी अपने समग्रह केतु के साथ। ये थी गुरु ग्रह की स्थिति जून की। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में वक्री एवं अस्त अवस्था में, उनका भी संचार हो रहा है साहब, वो भी वक्री स्थिति में ही है, उल्टी चाल चल रहे हैं और साथ में अस्त भी हैं, और अपने शत्रु ग्रह सूर्य ग्रह के साथ इनकी युति बनी हुई है अपनी इसी वृषभ राशि में, और ये युति इनकी 14 जून तक सूर्य ग्रह के साथ बनेगी जो इनके शत्रु ग्रह है। 9 जून को शुक्र पूर्व में उदय होंगे एवं 25 जून को ये मार्गी होंगे। मार्गी होने का मतलब सीधी चाल, अभी ये उल्टी चाल चल रहे हैं, 25 जून को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री स्थिति में यानी उल्टी चाल में संचार कर रहे हैं, और इनका अपनी इसी राशि में ही पूरे माह इसी प्रकार संचार होता रहेगा अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ। और जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि गुरु बृहस्पति जो है वो 30 जून को यहां से शनि का साथ छोड़ेंगे और उनका घर छोड़ेंगे, उनकी राशि छोड़ेंगे मकर राशि जो कि उनकी नीच राशि है, और वो अपनी स्वयं की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे 30 जून को। राहु ग्रह भी अपनी सम एवं उच्च राशि मिथुन में पूरे माह संचार करते रहेंगे। मित्रों यहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनी रहेगी पूरे माह, और 14 जून से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी इनकी युति बनेगी और जो कि माह के अंत तक इसी प्रकार बनी रहेगी। केतु ग्रह जो है वो भी वर्तमान में अपनी सम एवं उच्च राशि धनु में ही संचार कर रहे हैं, और इनका संचार पूरे माह इसी प्रकार इसी राशि में ही होता रहेगा। धनु राशि को हम आपको बता ही चुके हैं कि आपके कुंडली के दशम भाव यानी कि 10th हाउस में स्थित है। तो ये थी मित्रों ग्रहों की गोचर में स्थिति वर्तमान में। अब ये जो स्थिति है ग्रहों की, इसी आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है, तैयार हुआ है। आइए अब आपके जो मीन राशि के जातक हैं उनके माह जून 2020 के राशिफल की चर्चा आरंभ करते हैं, और सर्वप्रथम आपके व्यवसाय को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये माह जून आप मीन राशि के जो जातक हैं उनका व्यवसाय को लेकर के कैसा जाने वाला है। तो आइए जानते हैं, आप मीन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे मित्रों कि इस माह जो आपके व्यवसाय के घर के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, वह अपनी नीच राशि मकर में शनि के साथ संचार कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको ग्रह स्थिति से अवगत कराया था, और इनका संचार इस पूरे माह इसी प्रकार होता भी रहेगा इसी राशि में। और दूसरी ओर व्यवसाय के घर में केतु ग्रह का अपनी उच्च स्थिति में होना यह दर्शाता है मीन राशि के जातकों को इस पूरे माह अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार हो या फिर व्यापार में बहुत ही संभलकर कार्य करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि माह के मध्य तक आपको अपने भाग्य का साथ भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा, उसमें भी आपको कमी महसूस होगी कि आपके भाग्य में कुछ कमी है, ऐसा आप महसूस करेंगे इस अवधि में। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा है कि आपके दशम भाव में केतु उच्च की स्थिति में विराजमान है, तो जो व्यक्ति आईटी के क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर जो व्यक्ति अकाउंट्स आदि जो लेखा अधिकारी जो होते हैं जिनको हिंदी में हम कहते हैं अकाउंट्स ऑफिसर या चार्टर अकाउंटेंट या अकाउंट से संबंधित जो भी कार्य करते हैं इस प्रकार के उसके ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अकस्मात ही शुभ परिणामों की भी प्राप्ति हो सकती है इस अवधि में। इसके अतिरिक्त ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे, विशेषकर माह मध्य तक इलेक्ट्रिकल से जो संबंधित लोग हैं वो भी अपने क्षेत्र में काफी सफल रहेंगे इस अवधि में। लेकिन इन सबके अतिरिक्त हम एक बार फिर आपको यही सुझाव देंगे कि आप अपने कार्यों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा किसी न किसी रूप में कोई हानि भी उठानी पड़ सकती है। महामध्य के उपरांत आपको अपने भाग्य के द्वारा भी सहायता प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी। लेकिन आपको इस माह हम एक सुझाव यह देंगे कि आप अगर यात्राओं से बचें तो यह आपके लिए हित कर रहेगा, क्योंकि हमें लग नहीं रहा ऐसा ग्रहों को देखते हुए कि यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। वित्तीय स्थिति बताना चाहेंगे मित्रों कि इस माह के मध्य तक आपकी आय से अधिक आपका व्यय हो सकता है, खर्चे अधिक हो सकते हैं, इनकम से ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, विशेषकर संचय किया हुआ जो धन है, जो आपने जमा किया हुआ जो धनराशि है उसमें से भी आपका कुछ व्यय हो सकता है धन। अगर आप अपना धन किसी विशेष कार्य में लगाना चाहते भी हैं तो आप इस माह यह निवेश अगर ना करें तो आपके लिए हितकर होगा। महामध्य के उपरांत सुख साधनों में आप कमी महसूस करेंगे या उनका पूरी तरह लाभ उठाने में सक्षम नहीं होंगे या नहीं उठा सकेंगे। इस माह आपको अपने प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्ति का योग नहीं बना हुआ है, तो
यही उपयुक्त रहेगा कि इस पूरे माह आप अपने कार्यों पर ही पूरा ध्यान, पारिवारिक संबंध सामान्य ही रहेंगे पूरे माह और माह के मध्य तक अपने छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद आपके रह सकते हैं मित्रों, लेकिन माह मध्य से माह के अंत तक विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक जीवन में कुछ कहा सुनी जैसी स्थिति भी बन सकती है। शिक्षा, इस पूरे माह आप छात्रों को अपनी शिक्षा संबंधित मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। संतान, इस माह आप अपनी संतान से बहुत ज्यादा अनुकूल परिणामों की अपेक्षा या आशा ना करें, यह पूरा माह मध्यम से नीचे ही परिणामों की प्राप्ति आपको करवाएगा अपनी संतान की ओर से। स्वास्थ्य, आप मीन राशि के जो जातक हैं उनको इस पूरे माह ही अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही से भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो अब ये तो था आपका राशिफल मित्रों, हमने एक एक करके सभी चीजों की चर्चा आपके साथ कर ली, लेकिन अब जो समस्या परेशानियां इस माह आपको आने वाली हैं या आएंगी उनसे कैसे आपको छुटकारा मिले, उसके लिए हम कुछ उपाय, सरल उपाय, आसान उपाय आपको बताना चाहते हैं। अगर वो आपने उपाय हमारे आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने वो उपाय इस माह किए, पूरे श्रद्धापूर्वक किए, समय निकाल करके किए, बहुत आसान है, बहुत ही सरल उपाय है और इसके लिए समय निकालना कोई आपके लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं होगा, तो आप ध्यान से सुन लीजिए जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपने ये उपाय निरंतर किए पूरे माह तो ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आपने सुबह प्रातःकाल जब आप उठते हैं उठ करके सूर्यदेव को नमस्कार करना ना भूलें, ये अपने जीवन की मतलब एक उसमें शामिल कर लें अपनी दिनचर्या में कि सूर्य को प्रणाम करें सूर्यदेव को, और स्नान के पश्चात सूर्यदेव को जल भी अर्पित करें प्रतिदिन, और इस मंत्र के साथ अगर करेंगे जल अर्पित और 108 बार अगर इस मंत्र का जाप वहीं पर कर लेंगे तो अति उत्तम उपाय हो जाएगा आपके लिए। और ये मंत्र है, हम उसका उच्चारण करके आपको बता देते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र है, इस मंत्र का भी 108 बार अगर जल अर्पित करने के समय पे आप उच्चारण करेंगे तो आपके लिए एक उत्तम उपाय हो जाएगा। दूसरा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र के जाप, कम से कम एक माला अन्यथा तीन माला। अब देखिए, महामृत्युंजय में लघु मंत्र भी है और पूरा मंत्र भी है, हम तो यही सुझाव देंगे कि आप पूरा मंत्र करें तो उसका ज्यादा अच्छा विशेष लाभ प्राप्त होगा, और हम आपको पूरा मंत्र का आपको उच्चारण करके भी यहां पर बता देते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और उसी प्रकार आप उसका उच्चारण करें और जाप करें। ओम हौम जूम सः, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम सुह भुव भू, ओम सह जूम हौम ओम। यह था महामृत्युंजय मंत्र, इसको आप इसी प्रकार उच्चारण करते हुए इनका जाप करें, आपके स्वास्थ्य में अत्यंत लाभ की प्राप्ति आप कर पाएंगे। और एक मंत्र आपको और बता रहे हैं, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इसकी भी कम से कम एक माला अन्यथा तीन माला प्रतिदिन आपने करनी है, महामृत्युंजय की भी प्रतिदिन करनी है एक माला या तीन माला। ये कौन सा मंत्र है इसका भी उच्चारण करके आपको बता देते हैं। ओ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये भी एक छोटा सा मंत्र है, इसकी भी आप एक माला आराम से कर सकते हैं, अन्यथा तीन माला करिए। और अपने रोजगार को और अधिक उत्तम बनाने के लिए क्या करें, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें एवं केले के जो फल होते हैं या पीली मिठाई उसका आप दान करें किसी भी धार्मिक स्थल पर, जैसे कि
मंदिर इत्यादि, और इस दिन पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, जैसे पीली दाल होती है या पीली मिठाई है इस प्रकार का, या पीले फल है, ना ही पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र भी आपने धारण नहीं करने हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और ये छोटे छोटे सरल उपाय आप प्रतिदिन करिएगा। जून का माह आपका बहुत ही सुलभ और आसानी से और लाभकारी आपके लिए रहेगा और आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो यह था मित्रों, आप मीन राशि के जो जातक हैं उनका माह जून 2020 का राशिफल। आपको ये राशिफल पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे आने वाले दिनों में या महीनों में जो नवीन कार्यक्रम के जो वीडियोज हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें।